गुमला विधायक भूषण तिर्की ने विधानसभा सत्र के शून्यकाल के दौरान सदन में गुमला सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन लगवाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि गुमला सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं होने के कारण गर्भवती महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में पीपीपी मोड से संचालित हेल्थ मैप कंपनी द्वारा सप्ताह में मात्र 3 दिन ही अल्ट्रासाउंड होता है, जहां महिला चिकित्सक रांची से आकर इलाज करती हैं। इस दौरान अल्ट्रासाउंड के लिए गर्भवती महिलाओं को 4 से 5 घंटों का लंबा इंतजार करना पड़ता है, तब कहीं जाकर उनका अल्ट्रासाउंड हो पाता है। वहीं सदर अस्पताल इलाज के लिए पहुंचे गर्भवती महिलाओं को सप्ताह में 4 दिन निजी क्लिनिक में ऊंचे दाम पर अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि गुमला सदर अस्पताल का अपना अल्ट्रासाउंड मशीन होने से गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन इसका लाभ मिलेगा। गरीब गर्भवती महिलाओं को ऊंचे दाम देकर निजी क्लिनिक में अल्ट्रासाउंड नहीं कराना पड़ेगा, जिससे मरीजों को काफी लाभ मिलेगा। वही विधायक भूषण तिर्की ने कहा है कि गुमला विधानसभा क्षेत्र के चैनपुर डुमरी इलाके में नवगाई डैम का निर्माण अरबों रुपए की लागत से किया गया है। अरबों रुपया खर्च करने के बाद भी उस डैम को लगता है कि मौत का कुआं बना दिया गया। झारखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड राज्य के हित के लिए बेहतर कार्य कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहूँगा कि नवगढ़ डैम चैनपुर डुमरी इलाके में अवस्थित है और अरबों रुपया खर्च करके उस डैम के निर्माण में, नहर के निर्माण में उस इलाके में लगता है कि मौत का कुआं बना दिया गया है। उस इलाके में जानवर और इंसान की मौत होती रही है। इन्हीं के साथ साथ मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय कहना चाहूँगा कि अभी विपक्ष के साथियों ने बड़ी बड़ी बातें इन लोगों ने कहा है कि ये सरकार राज्य के किसानों के हित में कोई ऐसी काम इन्होंने नहीं किया, राज्य को इन्होंने आईना दिखाने का काम किया। तो मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूँ कि यही भारतवर्ष में इन्हीं की सरकार है और इन्हीं की सरकार में ये राकेश टिकैत जैसे किसान नेता ने 1 साल से अधिक कृषि बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन दिया था और इन लोगों की सरकार ने देश के किसानों को तड़पाने का काम किया था अध्यक्ष महोदय। लेकिन ये हेमंत सोरेन यशस्वी मुख्यमंत्री, ये राज्य की सरकार इस राज्य के किसानों के खुशहाली के लिए, बेहतरी के लिए इस राज्य में बहुत बेहतर काम कर रही है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।